हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ और ये रेमेडी बदलते हुए मौसम यानी सर्दियों के लिए है। तो दोस्तों, आप बहुत ही कम समय और कम बजट में एक अनोखे तेल से आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं ताकि सर्दियों के मौसम में आपके बच्चे बिल्कुल बीमार ना पड़े और सर्दियों के मौसम में बच्चों को जल्दी से सर्दी, जुकाम और बुखार ना हो। तो आज की जो होम रेमेडी है उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये सभी कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए मैं आज मसाज का ऑयल लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, केवल मसाज के ऑयल से ही आप अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सर्दी, जुखाम, बुखार से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और आप इस ऑयल को बनाकर रख लीजिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। साथ ही आप इसे 1 से 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसे बनाने के लिए सभी सामग्री हमें हमारी रसोई में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो फिर आइए इस ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए देखिए, गैस पर मैंने स्टील का बर्तन रख दिया है और अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप के लगभग सरसों का तेल। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो तेल की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं और इस समय हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो मसाज वाला ऑयल बनाने के लिए हमें केवल सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है और सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करना है। तो अब मैंने यहाँ पर 10 से 15 कलियाँ, ये देखिए, लहसुन की ली है। तो लहसुन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मालिश वाले तेल में, तो इसे भी हम डाल देंगे कढ़ाई में। और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे पकने देंगे 8 से 10 सेकंड के लिए और चम्मच हम इसमें लगातार चलाते रहेंगे। तो अब जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, वो है अजवाइन। तो 2 छोटे चम्मच मैंने अजवाइन ली है, इसे भी हम डाल देंगे कढ़ाई में। और अब हम लहसुन और अजवाइन को सरसों के तेल के साथ में पकने देंगे बिल्कुल धीमी आँच पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लहसुन और अजवाइन वाले तेल की अपने बच्चों के शरीर पर मालिश करेंगे तो बच्चों को कोल्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, बच्चों की छाती में बलगम नहीं जमेगा और अगर बलगम जमा हुआ भी है तो वो भी बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा ये ऑयल बच्चों को सर्दियों से बचाएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑयल थोड़ा सा तासीर में गर्म होगा लेकिन इतना भी गर्म नहीं होगा कि आपके बच्चों को नुकसान करे। आपको इसे केवल सर्दियों के महीनों में ही इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तब आप इसे अपने बच्चों के शरीर पर अप्लाई करना शुरू कर दें और इसे गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं लगाएं। तो ये जो लहसुन का तेल हम बना रहे हैं ये मालिश के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है सर्दियों के मौसम में। तो बस इसी तरह से लहसुन और अजवाइन को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते रहना है। तो इस ऑयल को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं, इसे मैंने ठंडा कर लिया है, लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब इसे छान कर हम अलग बाउल में या बॉटल में निकाल लेंगे। तो इसे छानने के लिए मैंने बाउल ले लिया है, इसके ऊपर हम छलनी लगा देते हैं और ये जो ऑयल है इसे हम छान लेंगे। तो ये हमारा मालिश वाला ऑयल बनकर तैयार हो चुका है और अब हम छलनी को इसी के ऊपर छोड़ देंगे लगभग 5 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें जो भी ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा। और ये देखिए, अब सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन की सारी तासीर आ चुकी है। आप इसे मैजिकल मसाज ऑयल भी कह सकते हैं और ये हमारा मार्केट से भी बढ़िया बहुत ही कम बजट में मसाज ऑयल बनकर तैयार हो चुका है और ये कुछ भी नुकसान नहीं करेगा आपके बच्चों को और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपको इस ऑयल का इस्तेमाल केवल सर्दियों के मौसम में ही करना है। तो जैसे ही सर्दियों की शुरुआत हो जाती है तब आप इसे लगा सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे बच्चों के सिर पर नहीं लगाना है, साथ ही बच्चों के चेहरे पर भी आप इसे नहीं लगाएं, बाकी पूरे शरीर पर आप इसे आराम से लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस ऑयल की मालिश बच्चों को नहलाने से आधा घंटा पहले करते हैं तो बच्चों को इससे काफ़ी आराम मिलेगा। तो एक बार आप भी इस तरह का ऑयल बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके बच्चों को सर्दियों में जुखाम, कफ, बलगम कुछ भी नहीं होगा और बच्चों की सर्दियाँ हंसते खेलते निकल जाएगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये होम रेमेडी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।